नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। अलवर नगर परिषद में भ्रष्टाचार का फिर खुलासा हुआ। जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज गुरुवार को अलवर नगर परिषद में कार्रवाई की। जयपुर एससीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए पार्षद नरेंद्र मीणा और दो ठेकेदारों को गिरफ्तार किया। टीम ने आरोपियों के पास से 5,15,000 रुपये की रिश्वत राशि भी बरामद की। फिलहाल एससीबी की टीम नगर परिषद में कमिश्नर के पास दस्तावेज चेक कर रही है। एससीबी की टीम ने कुछ समय पहले अलवर नगर परिषद के सभापति बीना गुप्ता को 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उनके बेटे के साथ गिरफ्तार किया था। उसके बाद एसीबी की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। जयपुर एसीबी की टीम के अधिकारी लगातार पार्षद और ठेकेदारों से पूछताछ कर रही है। एसीबी की टीम नरेंद्र मीणा के बैंक खाते चेक कर रही है। इसके अलावा घर की तलाशी भी एसीबी की टीम ले रही है। नगर परिषद में हाल ही में जो टेंडर हुए हैं उनकी भी जाँच पड़ताल एसीबी की टीम की तरफ से शुरू कर दी गई है। एसीबी जयपुर के एएसपी बजरंग शेखावत के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई हुई है। खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ब्यूरो मुख्यालय द्वारा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। गोपनीय सूत्रों से ब्यूरो मुख्यालय से सूचना मिली थी कि ये जो टेंडर हो रहे हैं नगर पालिका में, इसमें भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। उस सूचना को तकनीकी आधार पर उनका सत्यापन किया गया तो सूचना सही पाई गई, वो शिकायत सही पाई गई। तो तकनीकी आधार पर उनको सर्विलेंस पर लेके और साक्ष्य इकट्ठे किए गए तो ये सामने आया कि ये जो ठेकेदार हैं जिनका टेंडर हुआ है पिछले दिन, उनको वर्क ऑर्डर जारी करने के अवज में ये जो रमेश ये दो आज अरेस्ट किए हैं, ये कल और इन्होंने राशि एकत्रित की थी और ये राशि आज इनको हैंड ओवर करते हुए हमने इनको नरेंद्र मीणा पैसा कहाँ दिया नरेंद्र? ये मंदिर है जगन्नाथ जी का, वहाँ लेकर यहाँ रख के और फिर ठेकेदार उनके नाम ठेकेदारों की लिस्ट है, सबके जबानी याद नहीं, ठेकेदारों की लिस्ट है यहीं पर कह भी रहा है। मुझे पता नहीं कौन कहाँ रहता है। बाकी अनुसंधान का विषय जिसकी भी भूमिका सामने आएगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कितने लोग गिरफ्त हुए हैं एसीबी के? तीन, एक पार्षद दो ठेकेदार जी। निविदाओं को जारी करने से पूर्व और निविदाएं में वर्क ऑर्डर जारी करने के नाम पर 2.5% रिश्वत राशि के हिसाब से पैसे की उगाही की जा रही थी। काम वर्क ऑर्डर होने से पहले ही? हाँ, वर्क ऑर्डर होने से पहले और वर्क ऑर्डर होने के बाद। अच्छा। दोनों % रिश्वत राशि जो कि जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा इकट्ठी की जानी थी, उस सूचना को हमारे एससीबी मुख्यालय द्वारा उसको कोऑर्डिनेट किया गया और उसके बाद में वहाँ पे टेक्निकल सर्विलेंस और दूसरा मैनुअल सर्विलेंस के आधार पे जानकारियाँ एकत्रित की गई और उन जानकारियों के आधार पे आज सुबह हमारे सुरेंद्र शर्मा जी जो एडिशनल एसपी सवाईमाधोपुर हैं वो और हमारी जो टेक्निकल टीम प्लस हमारी जो मुख्यालय की टीम है उन्होंने कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को हम डिटेन किया है और उनको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। कौन कौन है? नगर परिषद के वार्ड 30 के पार्षद हैं श्री नरेंद्र मीणा, दूसरे दो ठेकेदार हैं जिनमें एक ठेकेदार है उनका नाम श्री रमेश गुप्ता है, दूसरे ठेकेदार श्री संजीव भार्गव हैं। इन तीनों लोगों को डिटेन किया और श्री नरेंद्र मीणा है उनको 5,15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रिश्वत देने वाले अभी सुबह रमेश जो गुप्ता है उन्होंने दिया था, लेकिन हमारे पास जो पैसे इकट्ठे करने का जो काम किया था वो श्री जो संजीव भार्गव है उन्होंने भी इकट्ठा किया था और उनके खिलाफ भी हमारे पास एविडेंस है। इस आधार पर इन तीनों लोगों को रमेश तो तीन लोगों को ही गिरफ्तार किया है। अब अनुसंधान किया जाएगा, अनुसंधान में अगर और किसी का भी इस तरह अनुसंधान से अगर किसी का भूमिका आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो राशि मिली। हाँ, लेकिन अभी जो मिली है हो सकता है कुछ ठेकेदारों ने ही दी थी, हो सकता है और कोई ठेकेदार कहीं इकट्ठे कर रहे हैं और वो, लेकिन हमारे पास जो अभी सूचना इन्हीं लोगों की थी और ये इसी राशि। अच्छा, लेकिन वर्क ऑर्डर जारी करने से ये वाला पैसा था वर्क ऑर्डर जारी करने का, ये शिकायत पिछले काफ़ी दिन हो गए, 15-20 दिन पहले इसकी सभापति जो अभी तक तो इन तीन ही लोगों का ही है, बाकी अगर अनुसंधान में कुछ आता है तो भूमिका के बारे में अनुसंधान किया जाए।